हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, शिक्षा भर्ती जुड़ी कोई भी अपडेट हो मैं आपके पास जरूर लाता हूं। और पोर्टल पर दो आदेश जारी हुए हैं जिन्हें हम देख लेते हैं। तो दोस्तों, एमपी का ऑफिशियली पोर्टल है एमपी एजुकेशन पोर्टल, और यहां पर यदि आप देखेंगे तो ज्वाइनिंग आदेश जारी हुए हैं। आदेश नवनियुक्ति माध्यमिक शिक्षक विषय अंग्रेजी 25/1/2023। आदेश नवनियुक्त माध्यमिक शिक्षक विषय अंग्रेजी 25/1/2023। दोनों ही आदेश हम खोल कर देख लेते हैं। तो दोस्तों, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर भोपाल दिनांक 25/1/2023 को ये आदेश जारी किया गया है। दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे तो प्रोफेसर एग्जामिनेशन बोर्ड मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा माननीय शिक्षक पद हेतु आयोजित पात्रता परीक्षा परिणाम के आधार पर भर्ती हेतु जारी विज्ञापन के क्रम में मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा अंतर्गत माननीय शिक्षक पद अंग्रेजी विषय में पदभार ग्रहण करने की अनुमति देने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था। इन्होंने पदभार ग्रहण नहीं किया था, लेकिन ये अब ज्वाइनिंग के लिए इन्होंने आवेदन दिया था, तो उस आवेदन के तहत ये कार्रवाई की गई है। और अतः पूर्व में जारी नियुक्ति आदेश दिनांक 16/6/2021 6/10/2021 को इनका आदेश जारी हुआ था, जिसपे ये ज्वाइन नहीं कर पाए थे। दोस्तों, तो जारी संबंधित की नियुक्ति को निरस्त करते हुए संवेदन के आवेदन पर विचार उपरांत नियुक्ति प्रदान करने नियम अनुसार पदस्थापना किया जाता है। तो वो जो आदेश था ना 6/10/2021 का, वो निरस्त कर दिया गया और ये नया आदेश जारी कर दिया गया है। दोस्तों, यहाँ पर आप नाम भी देख रहे हैं, कैटेगरी भी देख रहे हैं और डिस्ट्रिक्ट भी देख रहे हैं, कहाँ पर इनका जो है ज्वाइनिंग हुई है वो भी आप देख रहे हैं। इंग्लिश सब्जेक्ट से हैं दोस्तों, ये इनका रोल नंबर है। एक और आदेश जारी हुआ है, वो भी हम देख लेते हैं दोस्तों। तो ये सेकेंड आदेश है, जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें भी वही लिखा हुआ है ना। तो ये वो आदेश हैं जो कि पहले जिनका दिनांक 16/3/2022 को जारी संबंधित की नियुक्ति को निरस्त करते हुए ये नया आदेश जारी किया गया है, तो ये फिर से अब ज्वाइन कर सकती हैं दोस्तों, ठीक है। इनके पूर्व में आदेश जारी हो गए थे, लेकिन किसी कारण से उस समय ये ज्वाइन नहीं कर पाए थे, तो विभाग ने ये नया आदेश निकाल दिया है दोस्तों। तो जो भी हमारे बहनें हैं, भाई हैं, वो ज्वाइन जरूर कर लें इस बार, क्योंकि इस बार ज्वाइन नहीं करेंगे तो आगे चल के आपको दिक्कत हो सकती है। और पोर्टल पर ये दो आदेश डले हुए हैं दोस्तों। तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सभी तक पहुंचाएं, जिससे कि लोग तैयार रहे, क्योंकि आने भी बहुत सारे जो ज्वाइनिंग आदेश आ सकते हैं। तो दोस्तों, इससे एक बात स्पष्ट हो जाती है कि जिनकी नियुक्ति आदेश पहले जारी हुए थे वो किसी कारण से ज्वाइन नहीं कर पाए और उन्होंने आवेदन दिया है, तो उस पर जो है निराकरण किया जा रहा है और दो आदेश जारी किए, और भी आदेश आ सकते हैं। ये वीडियो सूचना मात्र था, आपने इसे देखने के लिए इतना समय निकाला, उसके लिए दिल से धन्यवाद।